बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट विद सेलिब्रिटीज़। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीरा खान के और एहसन मोहसिन इकराम के वलीमे की तमाम तस्वीर और वीडियोज़। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मीरा खान और एहसन मोहसिन इकराम का वलीमा था, तो वहाँ पर तमाम पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने भी शिरकत की थी। किंजा हाशमी समेत और भी बहुत सारे अदाकार और अदाकाराएँ आई थी, जिन्होंने उनके वलीमे की रस्म को चार चांद लगाए थे। मीरा खान और एहसन मोहसिन इकराम दोनों ही वलीमे पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि शादी की नस्बत वलीमे पर ज़्यादा प्यारे लगे हैं, और मीरा खान ने जो कल मैक्सी पहनी हुई थी उसमें तो परी से कम नहीं लग रही थी। मीरा खान और एहसन मोहसिन इकराम ने जब केक काटा वलीमे की रस्म पर, तो उन्होंने अमल मुनीब को गोद में बिठा कर अमल मुनीब का हाथ पकड़ कर केक काटा, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। मीरा खान और एहसन मोहसिन इकराम ने जो वलीमे पर प्यारा सा फ़ोटोशूट करवाया है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मीरा खान की सिस्टर ऐमन खान भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी मेहमानों ने तो ऐमन खान को ही ब्राइड समझ लिया था, क्योंकि जब ऐमन खान के पास एक आई आंटी तो उन्होंने कहा कि आप ब्राइड हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ब्राइड नहीं हूँ, मैं ब्राइड की सिस्टर हूँ, ब्राइड वो बैठी हैं। तो मीरा खान और ऐमन खान माशाल्लाह से दोनों ही खूबसूरत हैं और दोनों ही परियाँ लग रही थी कल, तो इसीलिए ही ऐमन खान को मीरा खान की जगह उन्होंने ब्राइड समझ लिया। मीरा खान और एहसन मोहसिन इकराम के वलीमे पर काफ़ी पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार्स ने भी शिरकत की, जैसे कि रबीका खान आई। रबीका खान ने पर्पल कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और बहुत ही हसीन लग रही थी। तो पाकिस्तानी स्टार के एक मेंबर आए जिनका नाम जैन बलोच है, और काफ़ी लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर उनके फ़ैन फॉलोअर्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जब मीरा खान की इस वलीमे की रस्म में आए तो उन्होंने इनकी पसंद के गाने गाए, जिससे बहुत ज़्यादा दुनिया उनकी फ़ैन हो गई। और जैन बलोच का कहना है कि जब से मीरा खान के वलीमे को अटेंड किया है रात से, उनके फ़ैन फॉलोअर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो जैन बलोच ने वहाँ आकर जो गाना गाया है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे जैन बलोच एंटर हुए। तो जैन बलोच ने एंट्रर्स के साथ ही यही पूछा अपने फैन से कि आप लोग पंजाबी पसंद करते हैं या फिर सराइकी पसंद करते हैं। अब एक तरफ से आवाज़ पंजाबी की आ रही है, एक तरफ से सराइकी की आ रही है, तो सुनिए फिर जैन बलोच का सॉन्ग। पाकिस्तानी स्टार टीम के सिंगर जैन बलोच ने अपने फैंस की पसंद पर पंजाबी सॉन्ग चिट्टा चोला गाया, जिससे दुनिया ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और खड़े होकर उन्हें दाद दी। मीरा खान और एहसन मोहसिन इकराम भी उनके इस सॉन्ग पर झूम उठे, और एहसन मोहसिन इकराम उनकी मैक्सी पकड़कर झूमते हुए नज़र आए, और उन्होंने उनके उसी सॉन्ग पर प्यारा सा फ़ोटोशूट भी करवाया। तो दोस्तों आपको जैन बलोच का प्यारा सा सॉन्ग सुनकर कैसा लगा, और मीरा खान और एहसन मोहसिन इकराम के वलीमे की तमाम तस्वीर और वीडियोस देखकर कैसा लगा, अपने कीमती ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आपको ऐमन खान ज़्यादा अच्छी लगी या मीरा खान ज़्यादा अच्छी लगी? जाहिर सी बात है मीरा खान ब्राइड हैं वो तो अच्छी लगेंगी ही, लेकिन ऐमन खान भी ब्राइड से कम नहीं लग रही। आपके कीमती ख्यालात का मैं इंतज़ार करूँगी कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।